अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस अर्बन लिंक मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट करने वाली देश की सबसे लंबी सी ब्रिज। जी हाँ, लगभग 21.8 किलोमीटर लंबी इस ब्रिज को अब बहुत ही जल्द ओपन होते हुए देख पाएंगे, क्योंकि एज पर न्यूज में भी इसी साल के अंत में यानी 25 दिसंबर को इस ब्रिज का उद्घाटन हो सकता है। क्योंकि 25 दिसंबर को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि दिस ब्रिज इज अ इंजीनियरिंग मार्बल ऑफ इंडिया। इसको L&T कंस्ट्रक्शन और टाटा प्रोजेक्ट जैसी बेहतरीन कंपनीज ने बनाकर दिखाया है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि कब इस ब्रिज को ओपन किया जाएगा आम नागरिक के लिए, लेकिन आई एम रियली होपफुल कि इस साल के अंत तक ये ब्रिज ओपन हो जाए। बाकी आज की वीडियो में देखेंगे क्या पॉसिबल है इस ब्रिज को दिसंबर एंड तक ओपन करना, और अगर ओपन हुआ तो एग्जैक्ट कहाँ तक ओपन होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिलता है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके इस छोटे से स्टेप से हमें काफी हेल्प होती है। तो सीधा चलते हैं मुंबई की सीवड़ी में, जहां पे ये ब्रिज शुरू होता है। लास्ट टाइम जून महीने में हमने देखा था इस इंटरचेंज में रोड लेइंग चालू था, और अभी देखे तो इंटरचेंज में रोड लेइंग कंप्लीट हो चुका है, और आपको साथ में लाइटिंग और सीसीटीवी कैमरास वगैरह भी इंस्टॉल करते हुए देखे जाएगा। अभी इस कॉम्प्लेक्स इंटरचेंज की ट्रैफिक मूवमेंट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस इंटरचेंज में आपको टोटल 8 डायरेक्शन में ट्रैफिक मूवमेंट देखने को मिलेगा। समझने के लिए इन्हें 1 से 8 तक मार्क करते हैं। अभी नंबर 3 और 8, ये दोनों रोड कनेक्ट होता है ईस्टर्न फ्रीवे के नीचे बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट रोड पे, जिसमें से नंबर 3 MTHL से एग्जिट लेने के लिए और नंबर 8 एंट्री के लिए यूज होगा। फिर नंबर 1, 2, 6 और 7, ये चारों रोड कनेक्ट होती है ईस्टर्न फ्रीवे के साथ, जहां नंबर 1 को यूज करते हुए आप MTHL से एग्जिट लेकर ईस्टर्न फ्रीवे के थ्रू जाएंगे वडाला की तरफ, और नंबर 2 को यूज करते हुए आप MTHL से एग्जिट लेकर ईस्टर्न फ्रीवे के थ्रू जाएंगे मजगांव की तरफ। फिर नंबर 6 को यूज करते हुए आप मजगांव साइड से एंटर कर सकते हैं, और अगर आप वडाला साइड से ईस्टर्न फ्रीवे के थ्रू आ रहे हैं तो नंबर 7 का इस्तेमाल करके आप एंटर कर पाएंगे इस ब्रिज में, जहां आगे आप जा सकते हैं सीधा नवी मुंबई की तरफ। लेकिन नंबर 4 और 5 का क्या? तो मे बी ये दोनों रोड फ्यूचर में प्रपोज सीवरी वोडली कनेक्टेड के लिए बनाया गया है, जिसके चलते आप सीधा पहुंच जाएंगे वैंड्रा वोडली सेलिंग के वोडली साइड पे, और जहां से आपको एक्सेस मिलेगा कोस्टल रोड का, जिसके चलते आप आसानी से मुंबई के नॉर्दर्न, सदर्न और वेस्टर्न पार्ट में जा पाएंगे। कोस्टल रोड और ट्रांस अर्बन लिंक की बात करें तो कैसे ये प्रोजेक्ट्स मुंबई की सराउंडिंग में एक रिंग रोड की तरह काम करेगा, जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। खैर, वापस आते हैं आज के वीडियो पे। तो अब नवी मुंबई की तरफ बढ़े तो आप देख पाएंगे कि रोड मार्किंग भी चालू हो चुका है, और जैसा कि हम सभी को पता है ये ब्रिज पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। तो सीधा चलते हैं नवी मुंबई की तरफ। यहाँ पे आपको दिखाई देगा अभी ब्रिज के ऊपर रोड लेइंग चालू है, और पर्टिकुलर वे में देखेंगे तो आपको राइट साइड में ज्यादा लेइंग होते हुए दिखेगा। सो पॉसिबल हो सकता है कि इस ओपनिंग में आपको राइट साइड का लेन पहले ओपन होते हुए दिखे। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको एक एक्स्ट्रा स्पैन का निर्माण होते हुए दिखेगा, जिसको इमरजेंसी सुविधाओं के लिए बनाया गया है। फिर जैसे जैसे नवी मुंबई की तरफ बढ़ते हैं, आपको दोनों ही साइड पे रोड लिंक कंप्लीट होते हुए दिख जाएगा, और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरास और लाइट्स भी लगवा दिया गया है। फिर आते हैं शिवाजी नगर इंटरचेंज पे। इस इंटरचेंज में आपको काफी सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट वो एंट्री एग्जिट्स का ऑपरेशन या ट्रैफिक मूवमेंट्स को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कनेक्टिंग रोड्स अभी तक नहीं बना है यहाँ पे। तो जब कनेक्टिंग रोड्स बन जाएगा
तब इसे समझना और आसान होगा। लेकिन ये दोनों रोड फ्यूचर में अंडर कंस्ट्रक्शन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ एक एलिवेटेड रोड के थ्रू कनेक्ट होने वाला है। अब आगे बढ़ने पे आपको यहाँ पे रोड मार्किंग का काम भी होते हुए दिखेगा। फिर आता है ये टोल प्लाजा, जहाँ पे आखिरी बार प्रोग्रेस कुछ ऐसा था, जहाँ इस टोल बिल्डिंग पे स्लैब का कंस्ट्रक्शन चालू था और इस पॉइंट पे पहाड़ को काटने का काम भी चल रहा था। और अभी देखेंगे तो टोल प्लाजा बिल्डिंग का निर्माण लगभग हो चुका है, अभी बस फिनिशिंग का ही काम चल रहा है और यहाँ पे पहाड़ वाला हिस्सा भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद चिल्ली की तरफ बढ़े तो आपको रोड लाइन कम्प्लीट होते हुए दिखेगा। फिर जो एलिवेटेड पार्ट है वहां पे हर एक काम कंप्लीट हो चुका है, जहां आपको लेन मार्किंग भी कंप्लीट होते हुए दिख जाएगा। आखिरी बार यहां पे हमने डेक स्लैब का काम चलते हुए देखा था, जबकि अभी वो कंप्लीट हो चुका है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि ब्रिज के ऊपर अभी डायनेमिक लोड टेस्ट चल रहा है, जो लास्ट टाइम हमने चिल्ले इंटरचेंज के एक लूप के ऊपर होते हुए दिखा था। और ये क्लियरली दर्शाती है कि एलएनटी कंस्ट्रक्शन और टाटा प्रोजेक्ट्स जैसी कंपनीज ने कैसे क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए इस ब्रिज का निर्माण किया है। फिर यह है चिल्ले इंटरचेंज, जहां पे एंड होता है इस प्रोजेक्ट का। इंटरचेंज में प्रोग्रेस देखे तो चारों लूप और रैंप का काम भी कंप्लीट हो चुका है, जहां आपको लैंडमार्किंग और लाइटिंग्स भी कंप्लीट होते हुए देखेगा। लास्ट टाइम पे हमने देखा था NH 348 या JNPT रोड पे कनेक्टिंग रैंप का काम बाकी था, जो अभी पूरा ही बनकर तैयार है। और फ्यूचर में आपको यहां से रोड का एक्सटेंशन होते हुए दिखेगा, जो आगे जाके कनेक्ट होने वाला है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के साथ। चिल्ली इंटरचेंज की ट्रैफिक मूवमेंट को समझे तो लेफ्ट साइड में आप जा पाएंगे JNPT में, और राइट साइड में पनवेल होकर आगे जा सकते हैं NH 48 और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में। अब ओवरऑल प्रोग्रेस की बात करें तो 25 दिसंबर को इस ब्रिज को ओपन करना इतना ज्यादा कठिन नहीं होगा, क्योंकि ब्रिज के ऊपर रोड लेइंग और जो थोड़ा बहुत लेन मार्किंग बाकी है वो आसानी से हो सकता है। लेकिन टोल प्लाजा को 100% रेडी करना थोड़ा मुश्किल है, और क्योंकि शिवाजी नगर इंटरचेंज पे अभी कनेक्टिंग रोड्स नहीं है, तो अगर इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ तो फिलहाल के लिए आप इस ब्रिज पे सीवरी से चढ़ने के बाद सीधा उतरने वाले हैं चिल्ले इंटरचेंज में। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मैं काफी होपफुल हूँ कि 25 दिसंबर को इस ब्रिज का उद्घाटन देखने को मिले, क्योंकि मेरी तरह हर कोई चाहेगा नवी मुंबई से मुंबई हम सिर्फ 20 से 25 मिनट में पहुंच जाए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।